मेरा एक उसूल है, राह चलते को मैं छेड़ता नहीं और जो मुझे छेड़ता है मैं उसे छोड़ता नहीं। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। गाइस, आज हम लोग यहाँ पे आए हैं हॉलीडे कैंप, जो कि आप लोगों ने देख लिया है। और मेरे साथ है मेरा ब्रो अभय। और अभी जो है हम यहाँ पे वीडियो शूट करने आए हैं। यहाँ पे भी हमने लोकेशन ये ढूंढी है वीडियो शूट करने के लिए, और वहाँ पे भी है एक, वहाँ पर भी जाएंगे। जो वीडियो होगा वो आपको व्लॉग में ही दिख जाएगा, व्लॉग में लास्ट में हम लोग जो है डाल देंगे रील्स, और जो कुछ भी होगा तो आप लोग देख लेना और बना रहिए। लास्ट तक व्लॉग को देखना, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और ऐसे ही जो है हम लोग व्लॉग्स बनाते रहेंगे, और बाकी आगे कुछ नया भी आने वाला है तो वो सरप्राइज़ ही हम बाद में दिखाएंगे। और थोड़ा सा यूट्यूब का काम भी था तो इसलिए मैं जो है यहाँ पे आ गया। तो चलिए चलते हम लोग वीडियोज़ बनाते हैं और आप लोग बने रहिए। सभी देखो फाइनली वीडियो शूट हो चुका है, और वीडियो में आई थिंक जो है 2 से 2.5 घंटे लग चुके हैं, क्योंकि एक रील जो है हमने कितनी बार जो है हमने रिकॉर्ड की है ठीक से बन ही नहीं रही थी, क्योंकि एक साइड से धूप बहुत ज़्यादा आ रही थी तो गर्मी भी इतनी ज़्यादा थी। लेकिन हम लोगों ने फाइनली बना ली। आप लोगों को हम लोग जो है लास्ट में वो रील डाल देंगे व्लॉग में, आप लोग देख लेना। अभी फाइनली जो है थोड़ी सी भूख लगी तो हम लोग यहाँ पर नाश्ता कर ले। अभी लेके आए हैं बाहर से थोड़ा सा नाश्ता और सोडा भी, तो हम लोग नाश्ता करते हैं। तब तक के लिए आप लोग रील देख लीजिए और व्लॉग का मज़ा लीजिए थोड़ा सा। मेरा एक उसूल है, राह चलते को मैं छेड़ता नहीं और जो मुझे छेड़ता है मैं उसे छोड़ता नहीं। मेरा एक उसूल है, राह चलते को मैं छेड़ता नहीं और जो मुझे छेड़ता है मैं उसे छोड़ता नहीं। फाइनली घर पे पहुंच चुके हैं, और वहां पे क्या हुआ था एंड में जो है मेरे जो फ़ोन की बैटरी है वो बिल्कुल डाउन हो चुकी थी, तो मैं वहाँ पे जो है पूरा व्लॉग तो नहीं रिकॉर्ड कर पाया, लेकिन यहाँ पे आके जो है मैं उस व्लॉग को पूरा कर रहा हूँ। और रील्स बनाने में बहुत ही ज़्यादा टाइम चला गया, ठीक है। और जो कोई भी रील्स बनाता है उसको यार सैल्यूट है, और कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है, क्योंकि हमारा अभी स्टार्टिंग है तो रील्स बनाने में कितना ज़्यादा टाइमिंग लगता है, एकदम एडजस्ट करना पड़ता है, रील्स देखनी पड़ती है बहुत सारी, उसके रिलेटेड रील्स में आपको जो अंदर एडजस्ट होना पड़ता है तो वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। हम लोगों ने 4 रील्स बनाई थी, और उसमें जो आई थिंक 4 से 5 घंटे चले गए थे उसमें, और तो इतना सारा टाइम आई थिंक चला गया था। और जो है मेरा फ़ोन जो था वो 4 से 5 घंटे जो है लगातार मैंने चालू रखा था, क्योंकि मेरे फ़ोन से ही रिकॉर्ड कर रहे थे और मैं व्लॉग भी बना रहा था, तो एकदम जो है बैटरी डाउन हो चुकी थी। फिर मैं पावर बैंक भी नहीं ले गया था, तो पावर बैंक नहीं ले गया तो जो है स्विच ऑफ हो गया मेरा फ़ोन, फिर मैं जो है व्लॉग्स वहाँ पर रिकॉर्ड नहीं कर पाया। आगे तो हम लोग यहाँ पर टेरेस पर आ गए हैं, और यहाँ पर मेरा कज़िन भी मेरे साथ है, और अभी हम लोग जो है पूरा रील्स पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि रील्स पे फोकस करने का मेरा मोटिव ये है कि मुझे जो है अभी इंस्टाग्राम में जो है मेरा मिशन वीडियोस मुझे डालने हैं इंस्टाग्राम पे, यानी कि इंस्टाग्राम के रिलेटेड भी जो है मुझे यूट्यूब पे जो है वीडियोस डालने हैं। यानी कि आपको पता है कि मैं मयूर के टेक जो कि मेरा चैनल है वहाँ पे मैं YouTube के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देता हूँ, वो भी शॉर्ट वीडियोस में, ठीक है। 1 मिनट का वीडियो ही बनाता हूँ और वहाँ पे मैं सारी इन्फॉर्मेशन देता हूँ, और ऐसे ही मैं Instagram पे भी जो Instagram के रिलेटेड जो है इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। आप लोग भी छोटे क्रिएटर है, यूट्यूबर है, अभी स्टार्ट किया है, तो आप लोग जो है मयूर के टेक मेरा चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, वहाँ पे आप लोग चेकआउट कर सकते हो। मैं वीडियोस बनाता हूँ वो भी 1 मिनट में। मुझे भी पता है यार अभी यूट्यूब पर इतना ज़्यादा सभी के पास टाइम नहीं होता कि 5 से 10 मिनट के वीडियोस देखे, तो इसलिए मैंने जो है वो सिर्फ पूरा जो है मैंने शॉर्ट्स वीडियो का ही चैनल बनाया है, तो आप लोग उस चैनल को चेकआउट कर सकते हो, और वहाँ पर आप लोग देखेंगे कि मैंने बहुत सारे एकदम नीचे लेवल से जो है मैंने स्टार्ट किया है वहाँ से। आप लोग अगर पहले वीडियो से लास्ट तक वीडियो को देखना, लास्ट तक देखेंगे ना वीडियो को, तो आपको सारा YouTube एकदम अच्छे से समझ में आएगा कि YouTube पे चल क्या रहा है, ठीक है। ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए ताकि जो है मैं ऐसे ही आगे बढ़ता रहूं, और होता है कभी कभी व्यूज़ कम हो जाते हैं तो जो है क्रिएटर जो है डीमोटिवेट हो जाता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूं, ठीक है। मैं मेहनत करता रहता हूं, मुझे पता है मेहनत करूँगा तो आगे जो है फल मिलेगा ही मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसे इंटरेस्टिंग और मजेदार व्लॉग्स में आपके लिए लाता रहूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।